जय माता जी की सा। मैं रघुवीर सिंह राजावत कुरडाया। हुकुम, आज हम बात करेंगे खांडा विवाह परंपरा के बारे में, खांडा विवाह प्रथा के बारे में कि क्या होती है। ये खांडा विवाह परंपरा जब राजस्थान में, भारत में प्रजातंत्र के पहले ज़्यादातर क्षत्रिय अपनी ज़मीन की, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए अधिकतर युद्ध में व्यस्त रहते थे, या फिर अपने राज्य के विस्तार के लिए क्षत्रिय युद्धों में व्यस्त रहा करते थे, तो कभी कभार अपनी निकट आई हुई शादी को छोड़कर अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्हें शादी बीच में छोड़कर युद्ध में जाना पड़ता था। ऐसी कई परिस्थितियाँ हो जाती थी कि दूल्हा शादी में नहीं पहुँच सकता था ताकि क्योंकि वो युद्ध में रहता था। उस परिस्थिति में राजपूतों ने एक ऐसा युक्ति निकाली कि उसकी शादी भी संपन्न हो जाए और वो युद्ध भी आराम से कर सके। उसके लिए दूल्हे की जगह दूल्हे की तलवार जो है बारात में जाया करती थी, और शादी में जो रस्में दूल्हे के साथ निभाई जाती वही सारी रस्में दूल्हे की तलवार के साथ, उस योद्धा, उस क्षत्रिय, उस राजपूत की तलवार के साथ वो सारी रस्में निभाई जाती थी। उन रस्में जो वो रस्में निभाई जाती और उस तलवार के साथ जब एक स्त्री का विवाह किया जाता तो उस परंपरा को खांडा विवाह प्रथा कहा गया, खांडा विवाह परंपरा कहा गया। जय माता जी की।